तो एमपी की 230 सीटों में से करीब 28 सीटें ऐसी हैं जहां ब्यूरोक्रेट्स अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनमें बीजेपी से 16 और कांग्रेस से 12 दावेदार हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, यानी पार्टियां इन्हें टिकट नहीं देंगी तो ये किसी और पार्टी से चुनाव लड़ने को तैयार है। वहीं कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी ही पार्टी बना ली है। देखिए ये रिपोर्ट। ये है विजय आनंद मरावी। बीजेपी ने जिन 39 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है उसमें विजय आनंद मरावी का भी नाम शामिल, और जब उनके टिकट का ऐलान हुआ था तब मरावी बीजेपी में शामिल नहीं हुए। आनंद मरावी पेशे से डॉक्टर हैं और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के पद पर पदस्थ थे। टिकट मिलने के कुछ घंटे पहले सरकारी नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दिया और टिकट मिलने के बाद बीजेपी ज्वाइन। अब बिछिया विधानसभा सीट पर प्रचार प्रसार में जुटे हुए, ये तो ताजा मामला है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में करीब 13 रिटायर्ड आईएएस, 3 रिटायर्ड आईपीएस, 8 डॉक्टर्स, रिटायर्ड आईएफएस, रिटायर्ड जज, जीएसटी अफसर, पंचायत सीईओ, प्रोफेसर, टीचर, आबकारी अधिकारी और इंजीनियर्स तक दावेदारी पेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी ब्यूरोक्रेट्स का रुझान बीजेपी की तरफ ज्यादा नजर आता है। अब तक जिन अधिकारियों ने बीजेपी ज्वाइन की है उनमें 2000 बैच के रिटायर्ड आईएएस कविंद्र कियावत, बीजेपी ज्वाइन की इन्होंने 13 अगस्त 2023, 2002 बैच के रिटायर्ड आईएएस रविंद्र मिश्रा जिन्होंने 20 अगस्त 2023 को बीजेपी में एंट्री ली, 2000 बैच के रिटायर्ड आईएएस एम के अग्रवाल ने 20 अगस्त 2023 को बीजेपी ज्वाइन की, 2009 बैच के रिटायर्ड आईएएस वेद प्रकाश शर्मा 20 अगस्त 2023 को बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, 2002 बैच के रिटायर्ड आईएएस एस एन सिंह चौहान साल 2019 में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसी तरह 1992 बैच के रिटायर्ड आईएएस रघुवीर श्रीवास्तव 13 अगस्त 2023 को बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। इनके अलावा बीजेपी ज्वाइन करने वालों में रिटायर्ड जज डॉक्टर प्रकाश उइके, डॉक्टर मुकेश तिलगाम जो एक रेडियोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर देवेंद्र मरकाम, जीएसटी अफसर हेमराज बारस्कर, पशु विभाग के अधिकारी रूपचंद्र मैडा, डेंटिस्ट डॉक्टर रैलाश सेनानी, ये भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। पिछले चुनावों को देखा जाए तो बीजेपी ने रिटायर्ड अफसरों को टिकट भी दिया है, जैसे सारंगपुर से कुंवर जी कोठार जो पीएचई में इंजीनियर थे और 2008 में पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए, माधो सिंह डावर जो 13 साल तक शिक्षक रहे और 1983 में नौकरी छोड़ दी, जीएस दामोर जो पीएचई विभाग के अधिकारी रहे और 2018 के चुनाव के पहले नौकरी छोड़ दी, झाबुआ से विधानसभा चुनाव लड़े और जीते, 2019 के लोकसभा चुनाव में झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट से पार्टी ने इन्हें मैदान में उतारा और ये सांसद बने, देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जो राजनीति में आने से पहले जज थे, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भागीरथ प्रसाद भिंड से पूर्व सांसद रहे, वैसे ही रिटायर्ड आईपीएस रुस्तम सिंह मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी की तरफ से रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का रुझान है, कांग्रेस में भी कई ब्यूरोक्रेट्स शामिल हो चुके हैं और कुछ तो दावेदारी भी कर रहे हैं। इनमें संजीव छोटेलाल उइके जो प्रोफेसर रहे, 2013 में चुनाव लड़ चुके हैं और मंडला से दावेदारी पेश कर रहे हैं, एनपी वरकड़े ये भी रिटायर्ड आईपीएस हैं और मंडला से दावेदारी कर रहे हैं, महेश मालवीय जिनकी ग्राम सेवक और भजन गायक के तौर पर पहचान है अब ये सारंगपुर सीट से दावेदारी कर रहे हैं, बाबू सिंह तंवर जो एलआईसी एजेंट थे, 4 बार जिला पंचायत सदस्य भी रहे और अब विधायक, अशोक मर्सकोले जो डॉक्टर हैं, मंडला जिले की निवास सीट से 3 बार के विधायक, डॉक्टर शैलेंद्र झारिया जो पेशे से सर्जन हैं, सांची विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे हैं, मोहन अग्रवाल जो आबकारी अधिकारी रहे अब शिवपुरी जिले के कोरारस में सक्रिय, डॉक्टर गोविंद मुजालदा पेशे से रेडियोलॉजिस्ट रहे, पिछला लोकसभा चुनाव खरगोन सीट से हारे, अब विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे, जगदीश धनगर रिटायर्ड फौजी हैं, सुवासरा सीट से दावेदारी कर रहे, अजिता वाजपेयी पांडे ये भी रिटायर्ड आईएएस हैं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार करने में इनकी अहम भूमिका है, वीके बाथम जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और भोपाल की किसी भी सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं, शशि कर्णावत रिटायर्ड आईएएस हैं,
बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते। इसके अलावा कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन नौकरी छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है लेकिन वो नामंजूर हो गया, जिसमें निशा बांगरे SDM, पुरुषोत्तम शर्मा IPS और लक्ष्मण सिंह डिंडोर CEO का नाम शामिल है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने निर्दलीय और अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जिनमें रिटायर्ड IAS राजा भैया प्रजापति हैं जो चंदला से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। रिटायर्ड IAS वरद मूर्ति मिश्रा जिन्होंने वास्तविक भारत पार्टी बनाई है। पुरुषोत्तम तिवारी इंजीनियर इन्होंने इंडियन पीपुल्स पार्टी का गठन किया है। रिटायर्ड IAS पन्नालाल सोलंकी विजयपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। रिटायर्ड IAS बी चंद्रशेखर बैतूल जिले की रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। रिटायर्ड IFS अफसर आजाद सिंह डबास आम आदमी पार्टी से बुधनी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनके अलावा और भी कई रिटायर्ड अधिकारी हैं जो दूसरी पार्टियां जैसे सपाक्स और जयस जैसे संगठनों में भी शामिल हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ये वो नौकरशाह है जो नेता बनने की इच्छा रखते हैं और कहीं ना कहीं किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होकर अपनी दावेदारी इस चुनाव में पेश कर रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये जो कवायद है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी पिछले चुनाव में OP चौधरी जो एक IAS अधिकारी थे उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर विधानसभा चुनाव लड़ा, हालांकि वो इस चुनाव में हार गए। तो छत्तीसगढ़ में भी कई सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस चुनावी दंगल में उतरना चाहते हैं, उतरने की इच्छा रखते हैं।